ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं बैठा हूँ अपने एक खास सेलिब्रिटी के साथ जिसका नाम है खुदा बख्श। इतनी बख्शीश खुदा की हुई है कि आज ये वो फनकार जो हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये भी पटियाले में आए हैं, अफसाना खान जी के भाई हैं, जिन्हें इन्हें आपने इनको इंडियन आइडल में देखा है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले सभी को सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा अपना खुदा बख्श, सो थैंक यू दिस चैनल एंड भैया का थैंक यू जिन्होंने यहाँ तक बुलाया। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने खुदा बख्श के साथ आज अफसाना जी के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत कम टाइम है इनके पास, आज इनके 3-4 इंटरव्यू हो चुके हैं, 2-3 इंटरव्यू के लिए इनको जाना है, तो क्या लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट ये हमें दे पा रहे हैं। इसके लिए हमने बोला कि चलिए इनसे आज हम 5 मिनट ही हमें दे दिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ऐसी बात होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। हाँ, मैं गाते, मेरे फादर साहब गाते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं तब 5 साल का था। लेकिन मैं सिंगिंग प्लस 2 क्लास में स्टार्ट की, जैसे गाता तो बचपन से था, लेकिन मुझे स्कूल में ज़्यादा बढ़ावा दिया, तो मैं धीरे धीरे बस चलता रहा, लेकिन किसी से सीखा नहीं, बस डैडी गाते थे तो वही ब्लड में आ गया। तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि बाद में पता चला कि हाँ, मेरे पास गॉड गिफ्टेड है तो मुझे इसे यूज़ करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़। तो तब मैं इंडियन आइडल की ऑडिशन दी चंडीगढ़ में, उसके बाद दिल्ली, ऐसे धीरे 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 बस चलता गया और फर्स्ट रनर अप आया। क्या बात है। जैसे आप चंडीगढ़ पटियाला ब्रदर से, चंडीगढ़ चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आप ऐसे करते करते बस विदेशों में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप चांद पे, मतलब एक तरह चांद की तरह छाएंगे, तो हमें बस यही हम खुशी जाहिर करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपको इंडियन आइडल में इतना प्यार मिला, ठीक है, तो इसके बाद आपको तो पता ही है कि आपको आगे भी इतना प्यार ऑडियंस से मिलेगा, ठीक है, इनका आप किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ, सबसे बड़ी ऑडियंस है, क्योंकि हम अगर गाते हैं तो कोई सुनने वाला तो होना चाहिए, ज़रूरी है, तो सुनने वाले सबसे बड़े हैं। और ये सच है कि अगर मैं वहाँ तक गया हूँ, कहीं भी इंडियन आइडल के फर्स्ट अगर मैं रनर अप रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ा जनता और अल्लाह का हाथ है, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई किसी का नहीं था। और अल्लाह का नाम लेके मैं गाता था और जनता बस उस अल्लाह के जरिए मुझे वोट करती थी और मुझे सपोर्ट करती थी, इसलिए मैं आज फर्स्ट रनर अप आया हूँ। तो मुझे मतलब कर नहीं सकता, थैंक्स नहीं कर सकता, यही कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पेश करूँ और आप भी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे जैसे करते आए। क्या बात है, क्या बात है। आपने बात की गीत की, तो सबसे पहले हम आपसे कुछ दो अल्फाज हमें लफ्ज में सुनाइए जी। और मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं ज़्यादा वही गाता हूँ, वो लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है, तो कोशिश करूँगा मैं। चिट्ठिए निदर्द फिराक वालिए, ले जा संदेड़ा सुनिया हरदा, तैनू वसता दिल दी पुकारदा। चिट्ठिए निदर्द फिराक वालिए, ले जा संदेड़ा सुने यार दा, पल्ले विच अग दे अंगारे नहीं लुक दे, इश्क ते मुश्क छुपाया नहीं छुप दे, हो फिर भी ये राज, फिर भी ये राज जान जाती है दुनिया, होंठों से लगा ले चाहे ताले कोई चुप दे, हो बूटा पत्थरों पे उगदा प्यार दा। चिट्ठिए 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 निदर्द फिराक वालिए, ले जा संदेड़ा सुनिया। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी आपकी अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़, और भी आपने लता जी, लता दीदी का आपने जो गाना गाया। अच्छा, एक फरमाइश मेरी, मैं कवाली का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे कोई एक कवाली सुनाइए। भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो जोली मेरी जा मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू,
क्या से क्या मैं नब हो गया हूँ, जब तक ना दिसेगा तू मुझको लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। क्या बात बहुत आपने अच्छी कव्वाली गाई। मतलब ये है ना, हम अगर मक्का मदीना ना जाएं, हम हज ना करें, आप जैसे फनकारों से हम आपकी कव्वाली सुन लें तो हमारा हज यहीं पे हो जाएगा। थैंक यू बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपसे इतना टाइम आपने दिया, लेकिन इससे जाने आप जाने का टाइम हो गया आपका, मुझे पता है आपके इंटरव्यू काफ़ी वेट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट में आपको लेना चाहूँगा। अच्छा, आप कपिल के शो में भी आए, ठीक है, उसका मुझे नहीं पता था, वो मुझे बाद में पता चला, वो भी बॉम्बे से, कि कपिल के शो में भी आप आ चुके हैं। आप बताइए, उनके शो में आके आपको कैसा लगा और मेरे पास आके कैसा लगा? अरे नहीं, मैं क्योंकि भैया मुझे पता है कि आप तो फिर भी बहुत बड़ी स्टेज पे खड़े हो, मैं तो बिल्कुल नीचे से गया हूँ। और मेरा, मैं बताता हूँ, जो मैंने सोचा था अल्लाह ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर दिया। जो मैंने मांगा था उनसे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। तो मैं जब मेरी वापसी थी तो सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो मेरा एक सपना था, सभी आर्टिस्ट का सपना है कि वो कपिल जी के शो में आए, क्योंकि बहुत बड़ा शो है, बहुत अच्छे। तो मुझको बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने बोला क्यों? तो आपको कपिल जी ने इनवाइट किया है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया, और क्योंकि बहुत बड़ा, और पपीदा जी हमारे साथ थे, और मेरे दूसरे 4 दोस्त जो मेरे फाइनलिस्ट थे, मोहित भाई, रवान भाई, मालविका दी, रोहित भाई, तो सभी हम साथ थे, तो बहुत इन्जॉय किया। और बहुत वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ भी अपने पटियाला में अब बॉम्बे के बंदे आए हुए हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा है। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और आपको पता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे थे इंडियन आइडल पर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, आपको मालूम है? जहाँ तक मुझे पता है, आपको क्या पता है, आप बताएंगे? नहीं यार, आपने बड़ा कलल्ला सा सवाल पा दिया, वो क्या भी बहुत, क्योंकि सभी की, मैं सबसे पहले तो मेरी माँ की थी, मेरी सिस्टर की थी, अब शाना सिस्टर ने बहुत किया, क्योंकि वो अपना खतरा लेके करते थे। मैं बता रहा था, देखिए माँ की दुआएं होती हैं सब कुछ, लेकिन आपकी सिस्टर अफसाना खान ने इतनी सपोर्ट की आपको। मुझे मैसेज आए, मैसेज अफसाना ने पर्सनली मुझे बोला कि इनको वोट कीजिए, खुदा बख्श को। जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, पहले भी सुना वो आपको, मतलब क्या फनकार है, तो मैंने बोला, मैंने सबको बोल दिया कि बस आपने खुदा बख्श को वोट करके एकदम जताना है, बस थैंक यू। इसलिए आज सभी के प्यार से आज फर्स्ट रनर आ पाया हूँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने बहुत बड़ी बात है, और सभी जनता ने इतना प्यार दिया। सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छी अच्छी सोच लेके, अच्छे अच्छे गीत लेके आपके सामने आऊँ, और बस जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो इंशाल्लाह, थैंक यू। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बातचीत की, टाइम निकाला आपने, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और आप देख रहे हैं कि आज हमने एक बात की, खुदा बख्श जी थोड़ा खुदा का नाम कम लेते हैं ना, इसलिए ठीक है। और हमारी पूरी टीम की ओर से जो कैमरे के पीछे खड़ी है, वो जो स्क्रीन पे अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनको, इनके पास टाइम की कुछ कमी है जिसकी वजह से इनको जाना पड़ रहा है, तो आज के लिए आप हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। हम आपको इसी तरह ऐसे खास जो शख्सियत हैं, जो फनकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हम आपको उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। हमारा कंसेप्ट यह था कि हम आपको आधे घंटे की, 24 मिनट की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम आपको कुछ सिर्फ 5 या 7 मिनट की इंटरव्यू दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो देशों विदेशों से आप इतना प्यार दे रहे हो, और खुदा बख्श को इसी तरह प्यार देते रहिए, बस हमें भी प्यार देते रहिए। बस इसके लिए मैं आपसे आज के लिए इतना ही इजाज़त चाहता हूँ, आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।